I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot. वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस जर्नी। तो कैसे हो आप लोग माय फिटनेस जर्नी आर्मी। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल जो भी मेरा वीडियो इस वक्त देख रहा है। मैं ये दिवाली आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपके फैमिली, आपका हेल्थ और भी अच्छा हो और सब कुछ अच्छा अच्छा हो आप लोग के साथ। सो हियर आई एम विथ माई येट अनदर वीडियो, वर्कआउट वीडियो, थाई फैट वर्कआउट। गाइज बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं लोअर बॉडी के लिए अच्छा वर्कआउट लेकर आऊँ, थाई फैट के लिए बेस्ट वर्कआउट लेकर आऊँ जो बहुत ज़्यादा ईजी हो टू डू एंड उतना ही इफेक्टिव भी हो। तो ये 21 डेज चैलेंज है गाइस, ये वर्कआउट आपको रेगुलरली करना है अच्छे डाइट को फॉलो करते हुए और आपका 21 डेज के अंदर अंदर आपका जो थाई फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट्स माय गारंटी। ये बहुत सिंपल वर्कआउट है गाइस। सबसे पहली बात तो इसे कोई भी कर सकता है, टीनेजर, हाउसवाइफ, एनीबॉडी कैन डू इट, क्योंकि इसमें कोई जंपिंग नहीं है, बहुत ज्यादा कार्डियो नहीं है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा थक जाओगे। आप इसको इजीली कर सकते हैं, आपके एग्जैक्टली ये थाई मसल को टारगेट करेगा और वहां से फैट रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिए ताकि आपके कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे वहां आके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। तो कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको 5 मिनट्स का स्ट्रेचिंग अच्छे से कर लेना है ताकि आपका हर एक मसल एक्टिव हो जाए एंड आप रेडी हो जाओ अपने वर्कआउट के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्कआउट के साथ जो कि है फ्रॉगर्स। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैट में बैठ जाना है। तो सबसे पहले हम लोग मैट में बैठ जाएंगे लाइक दिस। आपको अच्छे से इस पोजिशन में बैठ जाना है। आपका जो दोनों हैंड होगा वो आपके बम के साइड में रहेगा लाइक दिस। आपका जो लेग का पोजिशन होगा, आपको पैर पूरा खोलना है एंड आपका लेग का पोजीशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। आपको ये पूरा खोलना है एंड देन इसको ऐसे पोजीशन में लाना है। पूरा खोलेंगे फिर इस पोजीशन में लाएंगे, पूरा खोलेंगे फिर इस पोजीशन में लाएंगे। जब आप अंदर आ रहे होंगे तो आपका जो इनर मसल होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होगा। फिर ऊपर जाना है, फिर आगे लाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर आगे लाएंगे। जैसे आप इसको स्क्वीज़ करते हुए इस मसल को खोलेंगे तो आपका यहाँ इनर थाई में बहुत इफेक्ट पड़ेगा गाइस। ये बहुत बेस्ट वर्कआउट है आपके थाइस के लिए। इनर थाई को इफेक्ट करता है, वहाँ के जितने सारे फैट है उसको रिड्यूस करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपको पूरा अपना लेग खोलना है लाइक दिस एंड फिर आगे लाना है। ये 1 होगा, देन ऊपर जाएंगे, फिर ये 2 होगा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ये 3 होगा। इसके आपको टोटल 3 सेट्स करना है, 15-15 का रेप लगाना है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट जो कि है सीजर। उसके लिए भी आपको मैट में लेट जाना है लाइक दिस। इस पोजीशन में गाइस आपका जो लेग होगा वो एग्जैक्टली इस पोजीशन में आके खड़ा होगा और आपको अपने लेग को सीजर की तरह काटना है, फिर खोलना है, फिर काटना है, फिर खोलना है। जब इस पोजीशन में आ रहा है तो ये 1 काउंट होगा, देन पूरा खोलेंगे, देन ये 2 काउंट होगा, पूरा खोलना है, फिर 3 काउंट होगा, पूरा खोलेंगे, फिर 4 काउंट होगा। जब आप ये कर रहे होंगे तो आपका इनर मसल में स्ट्रेन हो रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि वो मसल एक्टिव है आपका और वहाँ का जो फैट है वो रिड्यूस करने में ये वर्कआउट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके भी आपको टोटल 3 सेट्स करने हैं, 15-15 का रेप लगाना है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट जो कि है साइड सर्कल। इसके लिए भी आपको मैट में इसी पोजिशन में लेट जाना है लाइक दिस एंड अपने एक लेग को उठाना है और इसको लाइक सर्कल की तरह घुमाना है। फिर ऊपर लाएंगे, फिर पूरा सर्कल की तरह घुमाएंगे, फिर ऊपर लाएंगे, फिर पूरा सर्कल की तरह घुमाएंगे। आप ये एंटी क्लॉक वाइज भी कर सकते हैं और फिर इसको क्लॉक वाइज भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपको दोनों लेग से करना है 15-15 टाइम्स और पूरा इसको एक्टिव करते हुए करना है गाइज। आपको जो इनर थाइज है, आपका जो साइड थाइज है उसमें पूरा इफेक्ट पड़ रहा होगा और ये बहुत बेस्ट वर्कआउट है आपके थाई फैट के लिए। दोनों लेग्स आपको परफॉर्म करना है, टोटल 3 सेट्स करना है, 15-15 का रेप लगाना है बोथ लेग से। तो आई होप आप लोग को ये वर्कआउट समझ में आ गए होंगे। अब चले करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट जो कि है स्क्वाट्स सिटअप। इसमें आपको नॉर्मल स्क्वाट्स परफॉर्म करना है लाइक दिस। इस पोजीशन में आएंगे, स्क्वाट्स परफॉर्म करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आना है एंड देन ऊपर आएंगे, फिर नीचे स्क्वाट्स परफॉर्म करेंगे, फिर डाउन जाना है, देन अप आना है एंड देन ऊपर आना है। ये आपका 1 हुआ, देन स्क्वाट्स परफॉर्म करेंगे, नीचे जाना है, देन ऊपर आना है, देन ये आपका 2 हुआ। फिर आपको स्क्वाट्स परफॉर्म करना है, नीचे जाएंगे, फिर पैर के हेल्प से ऊपर आएंगे,
ये आपका 3 हुआ। ऐसे कर करके आपको 3 सेट्स करना है, 15-15 का रैप लगाना है। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट, जिसका नाम है स्क्वाट ट्विस्ट। इसका नाम ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो चलिए सीखते हैं इसको स्क्वाट ट्विस्ट को। तो इसमें आपको क्या करना होता है, नॉर्मल स्क्वाट्स परफॉर्म करना होता है लाइक दिस। इस पोजिशन में आना है, स्क्वाट्स परफॉर्म करेंगे एंड देन अपने पैर को ट्विस्ट करना है। देन आना आगे, स्क्वाट्स परफॉर्म करना है देन अपोजिट लेग को ट्विस्ट करना है। देन आगे आना है, स्क्वाट्स परफॉर्म करना है, लेग को ट्विस्ट करेंगे। आगे आएंगे, स्क्वाट्स परफॉर्म करेंगे, लेग को ट्विस्ट करना है। आगे आना है, स्क्वाट्स परफॉर्म करना है, लेग को ट्विस्ट करना है। ये आपके इनर थाइज, आउटर थाइज, सारे थाइज के फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है गाइस। तो ये वर्कआउट जरूर करें। टोटल 3 सेट्स करना है, 15-15 का रैप लगाना है। तो चलिए करते हैं अपना लास्ट वर्कआउट ऑफ द वीडियो, जो है नॉर्मल लंजेस। तो चलिए सीखते हैं उसका राइट वे टू डू इट। सबसे पहले मैं साइड वेज में खड़ी हो जा रही हूँ ताकि आपको पोजिशन का अच्छे से आइडिया हो जाए। आपका चेस्ट जो होगा वो अप रहना चाहिए गाइस। आपको एक पैर को आगे लाना है लाइक दिस एंड देन दूसरे पैर से बेंड होना है लाइक दिस। आपको 90 डिग्री बनाना है, आपका जो ये है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। होल्ड करेंगे एंड देन फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाना है, होल्ड करना है एंड देन ऊपर आना है, फिर नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे एंड देन ऊपर आएंगे। सेम चीज़ हम लोग अपोजिट लेग से भी करेंगे लाइक दिस। पैर आगे कर लेना है, पीछे वाले पैर को बेंड करना है, 90 डिग्री बनाना है, होल्ड करना है, ऊपर आना है, फिर नीचे जाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाना है, 90 डिग्री बनाना है, होल्ड करना है, देन ऊपर आना है। आपको दोनों लेग से इसको परफॉर्म करना है, ईच लेग से 15-15 का रैप लगाते हुए 3 सेट्स मारने हैं। तो ये था फुल सेट ऑफ वर्कआउट फॉर योर थाई फैट। इसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा गाइस। ये 21 डेज चैलेंज है, इसको आप करो। आफ्टर 21 डेज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन साथ में अच्छा डाइट करना मत भूलेगा। एंड कौन सा डाइट आपको फॉलो करना है वो तो आपको पता ही है, वो है विंटर डाइट प्लान, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसको फॉलो कीजिए, साथ में ये वर्कआउट कीजिए। आपका थाई फैट रिड्यूस होने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है गाइस। आप इसको परफॉर्म करो, आफ्टर 21 डेज आपका जो रिजल्ट होगा मेरे साथ शेयर करना ना भूलेगा। एंड इस वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, 5 लोगों को शेयर कीजिए। जिनको इसकी ज़रूरत है उनको बोलो 5 लोगों को शेयर करने, ताकि जिनको भी थाई फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो ये वर्कआउट के थ्रू। क्योंकि हम लोग यहाँ फिटनेस अवेयरनेस फैला रहे हैं, ताकि सभी लोगों का अच्छा से वेट लॉस हो पाए, वो फिट रह पाए एंड हेल्दी रह पाए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। क्योंकि दिवाली का समय में भी मैं पार्क में आके आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ पटाखे वटाखे से बचते हुए। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे एंड इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे। तो अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, बेल आइकन दबा दीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे अपडेटेड। Lots of love. Bloodshot red, damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror.